दोस्तों बकरी भी आ चुकी है, ये देखिए बच्चे भी, चिको मुर्गिया भी, सबको भी, बत्तख भी आ गए हैं। चलो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मामा जी के घर पे और यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। और वो तो नमस्कार प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों कल वाली वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा प्यार दिए उसके लिए दिल से धन्यवाद, और बहुत लोग कमेंट किए और बहुत ज्यादा लोग लाइक भी किए, थैंक यू आप सभी को, बहुत लोग सब्सक्राइब भी किए, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। और इस ब्लॉग को दोस्तों अभी से स्टार्ट करें, अभी दोस्तों इवनिंग का समय हो चुका है और गुड़िया जी जो कि पूरे बर्तन को वॉश कर लिए हैं, घर का पूरा काम कर लिए, और इधर देख सकते हैं आप लोग साफ सफाई इस आंगन को पूरी तरह से कर दिए हैं। और एक देखिए डॉगी जो कि आकर के पड़ा मामा जी के यहाँ, क्योंकि मामा जी मामी जी नहीं है, कहीं पे गए हुए हैं, तो उनके यहाँ जा करके काम करने हैं और वहीं पे जा करके खाना बनाने, क्योंकि वो रात में आएंगे तो बोले कि खाना उना बना करके रखिएगा। तो आप सभी को पता है कि हम अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं ना, यहाँ रहता है तो इतना करना हमारा फर्ज है। तो चलिए अभी गुड़िया जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम अब बस मनोरंजन का साधन हो गया है आजकल, तो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलता ही नहीं है। यूट्यूब में अगर सवाल एक क्रिएटर से पूछो तो जवाब मिलता है तो लगता है कि जैसे लॉटरी ही लगी हो। दोस्तों ऐसे टाइम में मैं एक ऐप डिस्कवर की हूँ जिस ऐप का नाम है दोस्तों पंखुड़ी, जिस पर मैं हर रोज कुछ न कुछ नया चीज सीखती हूँ और वहाँ पे हमारे सारे सवाल का जवाब ही मिलते हैं। और वहाँ से मैं बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट भी खरीदती हूँ और वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री, तो प्रोडक्ट भी खरीदे और रबीस भी कमाना बहुत ही आसान है। तो जाइए आप भी एक बार डाउनलोड करके देखिए और बाद में हमें थैंक यू बोल दीजिएगा। बस यही नहीं दोस्तों, हम बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं वो भी ऑनलाइन, जिनसे मिलकर साथ में बातें भी करती हूँ और गेम भी खेलती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों पंखुड़ी में कोर्स करने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलते हैं और बाद में सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। बस यही नहीं दोस्तों, मेरी रिलेटिव भी मुझे देखकर यूज करना शुरू कर दिए हैं और कंपटीशन में भाग भी ले रहे हैं और बहुत सारे इनामें भी जीत रहे हैं। और तो दोस्तों सबसे अच्छे पार्ट ये है कि ये सिर्फ महिलाएं के लिए है, यानी हमारे लिए, और हमारे लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पंखुड़ी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका मन पसंदा यहाँ पे कोर्स होता है, जैसे कि मेकअप, बेकिंग, सोप बनाना, मेहंदी डिजाइनिंग इत्यादि, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं दिल से चाहती हूँ आप भी इस ऐप में जाइए और कोर्स बुक करें। मेरे यूजर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कूपन कोड दिया गया है जिसे आप पा सकते हैं अपनी मन पसंदा पहली क्लास बिल्कुल फ्री में। ये जाइए डाउनलोड करें और बुक करें अपनी क्लास फ्री में, और नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे तो पाइएगा हजारों का प्रोडक्ट। यहाँ का काम हो गया है, यानी कि वॉश कर दिए हैं बर्तन को और यहाँ पे बैठे हुए हैं। चले के चलिए फिर वहाँ भी बर्तन वॉश करना है ना। हाँ, जिसमें ले लीजिए आपका चार्जर, और ये देखिए चोरा, और इस रूम में लॉक करेंगे। और ये देखिए चीकू, चीकू के लिए गाड़ी खरीद दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए उसी से खेलते रहती है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि खिलौना से क्या, छोड़ दो, चलो दादा के यहाँ, दादा नहीं है घर पे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे मामा जी के यहाँ, क्योंकि वो है नहीं घर पे और बोले हैं कि वहीं पर जाकर के तुम लोगों को घर देखना है और साथ ही बर्तन को भी धोना है और वहाँ पे खाना बना के भी रखना है, क्योंकि मामा मामी का मतलब मामी जी हैं, जानवर भी पाले हैं बकरी, तो उसे भी मतलब देखना है, मुर्गी। विराट है जो कि सो रहा है, तो उसे पैंट पहनाइए, ऐसे सो रहा था। अरे उठ गया, तुम जाने के नाम पे उठ गया गुड़िया जी, कंबल रख दिए ना, कंबल रख दिए ना, बाहर पसारा हुआ था क्या चिको? दोस्तों ताला कर दें लोग, इधर मुर्गियाँ आए हुए हैं और इस चूल्हे पे आज खाना नहीं बनेंगे क्योंकि जा रहे हैं मामा मामी के यहाँ खाना बनाने ना, इस चलते है ना, आज खाना वहीं बनेंगे, हो जाएंगे उनको आने में, तो बोले कि खाना बना करके रखिएगा, तो चलते हैं वहीं पे खाना बनाने। चिकू है जो हम लोग से आगे चल रही है और गुड़िया जी सबसे पीछे, मैं पीछे में ना चिकू। बहुत दिन के बाद मामी जी के यहाँ खाना बनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब से आए थे उसके बाद नहीं बनाए कभी भी, और अभी फाइनली आज बनाने जाएंगे। आ चुके हैं अपने मामा के यहाँ और देखिए ये गली में हो करके जाते हैं, और ये रहा दोस्तों हमारा मामा जी का घर, तो इसी के अंदर जाएंगे है ना। और ये भी है, तो ये इधर मतलब बनाए नहीं है, पुराना घर है। लोग आ चुके हैं मामा जी के घर पे और यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। और वो देखिए बर्तन है जो गुड़िया जी निकाले करके पहले ही चले गए थे,
और देखिए मुर्गियाँ उधर है। तो चलिए गुड़िया जी अभी काम कीजिए, और अभी शाम का भी समय हो चुका है, और अपने घर पे जा करके पूरा जो कि बर्तन वॉश करके इसीलिए चलाए हैं, और यहाँ भी वॉश करना, वहाँ भी वॉश करना, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे खाना बनाए जाएंगे, क्योंकि मामी बोल दिए हैं मामी कि हम मतलब आएंगे रात में, तो खाना बना करके रखिएगा, तो खाना बना दे रहे हैं ना गुड़िया जी। जाइए आप बर्तन वॉश कीजिए, उसके बाद खाने बनाए जाएंगे। हम विराट को पकड़ लेते हैं। हमारा विराट बहुत अच्छा लड़का है ना विराट, रोएगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा, इसलिए अच्छा इसको बोलते हैं हम। रोता है तो चुप होने का नाम नहीं लेगा, दम रोते ही जाएगा, सीरियल बाय सीरियल से रोएगा, ऐसे मतलब चुप नहीं होगा, इसलिए अच्छा हम बोलते हैं इसे। और ये हैं जो कि कल चला सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, नहीं तो मोटर से ही पानी भर लेते। चीकू रहेगी, और चीकू का यहाँ पर देख लीजिए बैठने का तरीका, कुर्सी के ऊपर बहुत ज्यादा हंसी भराती है, मन लगाई हुई रहती है चीकू ही। हाँ, चीकू ही। दोस्तों बकरी भी आ चुकी है, ये देखिए बच्चे भी। चीकू उधर, चीकू चीकू हका करके लाई है, और कहाँ गई चीकू और बकरी? इन बकरियों को जो कि बहान देते हैं, नहीं तो रात में किधर भाग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मामा मामी जो कि हम पे एक जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं कि आप सारा चीज को देखभाल कर लीजिएगा, तो इसको बहान दिए हैं, तो बच्चे भी भागेंगे नहीं, क्योंकि मम्मी बनाए गई है तो बच्चे आस ही पास रहते हैं ना चीकू, जैसे हम जहाँ रहेंगे जहाँ चीकू आस पास में ही रहेगी। विराट है, किधर है विराट? अभी चीकू विराट को बैठा दी थी यहाँ पे, अभी से गोद ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी राख निकाल रहे हैं, क्योंकि बर्तन को वॉश कर लिए ना, उसके बाद राख निकाल रहे हैं, और विराट को मैं लिया हूँ, और उधर चीकू जो कि खेल रही है, और घर पूरा सुनसान जैसा लग रहा है, लेकिन कोई इंसान है ही नहीं, माँ मम्मी नहीं है। तो देखिए उधर झाड़ू बड़ा हो गया है तो काट रहे हैं। ये अभी एक और बकरी आ गई है, और वो बच्चे कहाँ गए गुड़िया जी? बच्चे कहाँ गए? उधर है ना बकरी को, विराट बहुत अच्छे से देख रहा है, ये देखो उसका बेबी, देखो दूध पी रहा है, देखो तुम पीते हो ना उसी तरह से, विराट देखो ये भी पी रही है, उधर एक बैठी हुई है और एक इधर, और दो दो चार चार ठो बकरी है हमारे मामा जी का, और दो ठो ना बड़ी बड़ी है देख सकते हैं, और दो है जो कि छोटी छोटी बच्चे हैं, जो कि ज्यादा भी नहीं हुए, भगवान जो कि अस्त होने वाले हैं उसके बाद। चलिए और देखिए मेरे मामा जी का लड़के का साइकिल है, जो कि इसी से पढ़ने जाता है वो लोग, जैसे बांध दीजिए। और ये बकरी ना बच्चा देने वाली है। बहुत कितना देते है पता है आपको? हाँ, चार ठो देती है। नहीं ये देती है तीन ठो। हाँ, तीन ठो ये देती है, और ये, और ये चार ठो देती है। कोई गारंटी है तीनों ठो देगी? चार ठो भी दे सकती है ना। हाँ, इसे बांध दीजिए, अभी विराट रो रहा है, जल्दी से बांध। कितना बड़ा बकरी है, बहुत बड़ा बकरी है, ये देख सकते हैं। और क्या हुआ? अच्छा अभी दोस्तों सारे बकरी को बांध दिए हैं, और अभी खाना बनाएंगे। और चलिए विराट को पहले धर लीजिए, बहुत देर से धरे हुए हैं हम। अब बकत अभी मुर्गी गोड़ना है, उसके बाद बकत भी आएंगे, और उसके बाद मुर्गी भी आएंगे, उसे भी गोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक भी गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर मतलब जो डांट नहीं सुनेंगे, लेकिन जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारी आपको मिला है उस चीज के लिए, उस चीज को करना पड़ेगा ना। फिर बत्तख भी आ गए हैं, चलो इसको भी गोड़ना पड़ेगा, पानी में से चर कर आ गई है, और इधर मुर्गियां भी सबको गुड़ाने के लिए तैयार हो जाओ अब। सारे पशुओं को, हाँ बकत आ गए, सारे पशुओं को लिया है, उधर बकत भी आ गए हैं, मुर्गी भी और बकरी भी। हाँ तो अब उसे गोरेंगे, और जिम्मेदारी यहाँ खत्म, और वो लोग आएंगे, जानवर वाला ज्यादा रहते हैं, दिक्कत होते हैं, कहीं गड़बड़ा जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाते हैं, बहुत मतलब मुश्किल से पालते हैं, बहुत कष्ट करके केयर करना पड़ता है छोटे छोटे चीजों का, तब जा करके इकट्ठा एक बड़ा सा फैमिली बन जाता है सभी, ये भी तीन से चार है, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं। आग जोड़ रहे हैं खाना बनाने के लिए, मेरा नया नहीं दोस्तों। और हम विराट को लिए हुए हैं, क्योंकि विराट रो रहा था, इसे हम लेकर दूध पिला रहे हैं, और वो बोले कि हम तब तक आग जोड़ देते हैं, और अब तुरंत ही खाना बन जाएंगे, और पता ना मामा मामी कब आएंगे। हाँ, तो उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, जिम्मेदारी खत्म, और सारे जो कि हैं मुर्गी उर्गी सबको गोड़ दें, कुछ मुर्गियाँ हैं
क्या हुआ बेटा? कौन मारता है जी? कौन मारता है आपको? कौन मारता है? खाएंगे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रखिए। आपके पापा जी मुर्गियाँ को पकड़ रहे हैं गोरने के लिए और उनसे पकड़ा ही नहीं रहा है, देखिए। और दो ठो उधर है और दो ठो इधर, देखिए पकड़ रहे हैं। पकड़िए जल्दी विराट को बैठा करके चले गए हैं चावल लाने के लिए। और विराट देखिए वही बैठ करके आराम से खेल रहा है, चावल को फटक रहे हैं। वहाँ पे देखिए मुर्गियाँ चुगने आई है चावल को, और विराट है जो कि देख करके हंस रहा है। गोर देंगे अभी ये लोग पकड़ाएंगे नहीं ना, थोड़ा सा और शाम हो जाएंगे तो उसके बाद गोर देंगे। तो अभी तो सुसरी भगवान अस्त हो गए हैं और अभी जा कर के शॉप से लिए हैं पत्ता गोभी और आलू और उसी का सब्जी बनाए जाएंगे। हाँ सब्जी फटाफट से काटिए, विराट को छोड़िए। मोमबत्ती क्योंकि लाइट है जो कि शायद आज आ जाएंगे गुड़िया लाइट, तो अभी नहीं ना आए हैं। नहीं अभी मोमबत्ती लाते हैं ताकि मतलब सारे रूम में जलाएंगे। और देखिए और वहाँ अपना रूम पे संझौत तो नहीं दिखाए आज, फिर भी वहाँ पर भी जा कर के जलाना पड़ेगा ना। एक मोमबत्ती उधर बार दिए हैं और जा रहे हैं एक मोमबत्ती लेकर के अपने रूम पे बारने के लिए। दीप हाथ को धो करके अभी दोस्तों आ चुके हैं इस रूम पे संझौत दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तक मामा मम्मी नहीं आए हैं तो उस घर को छोड़ करके यहाँ तो नहीं आ पाएंगे ना, तो इसलिए अभी खोलते हैं और संझौत को दिखाते हैं और आज शायद लाइन आ जाएंगे, तो चलिए खोलते हैं। तो दोस्तों अभी आए हैं हम संझौत दिखाने के लिए और यहाँ पे लाइट फाइनली आ चुका है और बहुत ज़्यादा दिल से मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि लाइट की वजह से हम जो कि वीडियो शूटेड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, चार्ज लगाने के लिए दूसरे यहाँ पर जाना पड़ रहा था, बट फाइनली लाइट आ गई है। अभी हम बाहर वाला लाइट है जो कि जला देते हैं। देखते हैं दोस्तों अभी बाहर भी लाइट जल गए हैं, अभी ताला लगा देते हैं। तो मामा के यहाँ पे आ गए हैं अभी और देखिए खाना चावल बना दिए गुड़िया जी, माड़ भी पसा दिए, सब्जी काटना है तो विराट चुप ही नहीं हो रहा है ना, तो अभी देखिए सब्जी ऐसे भी रखे हुए, चलिए हम विराट को ले लेते हैं, सब्जी काटिए फटाफट से। दोस्तों आलू का तरना स्टार्ट भी कर दिए हैं और इधर चीकू खेल रही है, गिर जाओगी और से खेल, पानी पिलाते हैं, आओ इधर। तो हम सब्जी बना ले रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, और गुड़िया जी है जो कि बैठे हुए हैं विराट को लेकर के। अभी तक दोस्तों मामा भी नहीं आए हैं तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है फिर भी नहीं आए हैं, तो अभी खाना वाना बना करके रेडी रख। अभी दोस्तों खाना है जो कि रेडी हो चुके हैं और ये देखिए गुड़िया जी खाना भी खा लिए और ये मेरा लगा दिए हैं अभी। तो अभी रात का 9 बज चुके हैं लेकिन मामा मामी अभी तक नहीं आए हैं और ये देखिए हमारा खाना जो कि रेडी हो गया है, गुड़िया जी खाना खा लिए हैं, खा लिए और हमें नींद भी आ रही है, नींद भी आ रहे हैं। 9 बज गए हैं, शायद आज मामा मामी नहीं आ पाएंगे, हो सकते हैं कि कल ही आए, तो यहीं पर रहना पड़ेगा और अकेले ही हम लोग जो कि घर में रहेंगे। और फ़ोन लगाएं तो बोलें कि मतलब ज़्यादा कोशिश रहेंगे कि आ जाएंगे, क्योंकि मामा जी का खुद का मतलब ऑटो है ना, तो वो मतलब आने के मतलब फिराक में है और उनके बच्चे भी हैं साथ में, तो बोल रहे थे कि हम चले आएंगे। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हम घर से आए थे तो पहले कुछ दिन हम लोग यहीं पर रह करके ब्लॉग बनाए थे, यहीं रहते थे, लेकिन फिर उधर जा करके बनाना पड़ा कहीं जैसे कि यहाँ दिक्कत होने लगे थे इस चलते। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।